बाबू लोग, ये तो तय है कि गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से कितने ही प्रीक्वल और सीक्वल क्यों ना आ जाएं, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स को कभी भी टक्कर नहीं दे पाएंगे, उसे फेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 अभी पिछले महीने ड्रॉप आउट हुआ, लेकिन लोगों को उतना मजा नहीं आया इस बार सीजन 2 में। क्योंकि एक बात तो है, जो मिंट और फ्लेवर गेम ऑफ थ्रोन्स प्रॉमिस करता है और डिलीवर करता है, वो हाउस ऑफ द ड्रैगन उससे कोसों दूर है, वो डिलीवर करके नहीं गया। आई थिंक लोग इस वेब शो को देख भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें ड्रैगन है और ड्रैगन बैटल देखने को मिलेगी, यानी डांस ऑफ द ड्रैगन। लिटरली दिल से बताऊं तो इनका कैरेक्टर से ज्यादा हाइप तो सिर्फ ड्रैगन का ही है इस पूरे वेब शो का, House of the Dragon का। चलो बात करते हैं why Game of Thrones far better than House of the Dragon। भाव लोग बात करें Game of Thrones की, उसका जो mint है, उसकी जो theme है और उसका जो flavor लोगों को ने पसंद किया, उसे अपनी choice बनाई लोगों ने। क्योंकि Game of Thrones without any hesitation, sex, nudity, violence, gore और इसी के साथ साथ बेहतरीन story भी follow करता है। As it is realism का पूरा तड़का देता है, जो feel कराता है कि if there is no law, there is no rules and regulations, society ऐसी हो जाती है। And second thing, story follow करती है each and every character का survival, how to make way to achieve success, as well as जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक तुम जा सकते हो, ये सारी चीजें उसमें खोल के दिखती हैं। और यही मिंट लोगों की जुबान पर लग गया, जिसमें अपनी तरफ से न्यू एंड फ्रेश ऑडियंस खींचने का भी की रोल था सेक्स एंड न्यूडिटी का कारण, जो लोगों को बहुत पसंद आया था। इवन जब मुझे पता चला, मुझे भी ऐसे ही किसी ने बताया, तो बाबा ये सारी चीजें खोल के बताई गई कि भाई तू गेम ऑफ थ्रोन्स देख, वहां तुझे सब कुछ खोल के दिखाया जाएगा, कोई फिल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। और यही ट्रिगर करके गया मुझे भी। देन उसके बाद जब मैंने इस वेब शो को देखा, तो बाद में इसकी स्टोरी ने मुझे अपना बना लिया और मैं 8 सीजन तक फिर उठ के हिल नहीं पाया। दूसरा जो गेम ऑफ थ्रोन्स का सक्सेस देकर गया है, इस वेब शो के ईच एंड एवरी सिंगल कैरेक्टर, जिससे आप किसी दूसरे कैरेक्टर से भी कंपेयर करोगे ना, तो वो उसके सामने फेड नहीं होगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी अपने क्षेत्र में बहुत यूनिक एंड हाई है। लाइक जॉफरी बराथियन और जॉन स्नो का कैरेक्टर कंपैरिजन ले लो, क्या जॉन स्नो ओवरशैडो कर जाएगा जॉफरी को? नहीं, जॉफरी अपने फील्ड का बाप है, क्रुएलिटी कैसे दिखानी है ही नोज बेटर। जॉन स्नो अपने फील्ड का बाप है। वही डेनेरिस टारगेरियन को ले लो, अगर जॉन स्नो से कंपैरिजन कराएं तो क्या डेनेरिस जॉन स्नो को ओवरकम कर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी सर्वाइविंग अलग है, उसका पोटेंशियल एंड अचीवमेंट अलग है। ना जॉफरी के बिना गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा है, ना जॉन स्नो के बिना गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा है, ना डेनेरिस टारगेरियन के बिना। ईच एंड एवरी कैरेक्टर का जो पोटेंशियल है वो अलग लेवल का है। चाहे नेड स्टार्क ले लो, चाहे रॉब स्टार्क ले लो, आर्या स्टार्क ले लो, सांसा स्टार्क ले लो, सर्सी लैनिस्टर, जेमी लैनिस्टर, टिरियन लैनिस्टर, टाइविन लैनिस्टर, छोटे से छोटा कैरेक्टर ही ले लो, चाहे पॉडरिक या फिर ब्रेन ऑफ टार या फिर द हाउंड, बाबा इन सब कैरेक्टर की ऐसी ग्रेविटी है जिन्हें देखने की हमें आदत लग चुकी थी। जब एक बार 7 से 6 जगह पर एक साथ कहानी चल रही थी, तो दिल से आ रहा था कि भाई उस कैरेक्टर के बारे में भी दिखाओ कि आखिर वहां कहानी क्या चल रही है, क्योंकि उन्होंने वो बिल्डअप कर लिया था, वो अर्न कर लिया था। तो बाबा राइटर की जो कैरेक्टर लिखाई थी वो इस वेब शो की बहुत शानदार थी, जिस वजह से लोगों को ये वेब शो इतना पसंद आया था। और आज भी लोग इन पूरे 8 सीजन को एक बार नहीं, बार बार देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन वेब शो की करें, तो बाबा इस यूनिवर्स का मेन मिंट एंड फ्लेवर जो था, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स का, वो उन्होंने हल्का कर दिया, यानी सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस, गोर एंड ईच कैरेक्टर सर्वाइवल पोटेंशियल, क्योंकि इसी के लिए भाई गेम ऑफ थ्रोन जाना जाता था। सिर्फ रेनिरा और डेमन टारगेरियन ही है रियल सर्वाइवल कैरेक्टर जो दिखाता है इस वेब शो को। बाकी फर्स्ट सीजन में थोड़ा बहुत सेक्स न्यूडिटी थी, देखने को मिली थी, लेकिन सेकंड सीजन में वो ना के बराबर हो गई कर दी थी। बाकी वायलेंस की अगर बात करें, तो डेमन के अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिस पे ये वाला फील आए और डर लगे कि यार बीसी इसके सामने कोई आ ना जाए, टपका ना दे किसी को भी है, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये हमारा फेवरेट कैरेक्टर है और इस क्रूअल कैरेक्टर के सामने आ जाए तो ये उसको उड़ा देगा। लाइक जॉफरी, लाइक रैमजी बोल्टन, लाइक द हाउंड, भाई इनके सामने हम अपने किसी भी फेवरेट कैरेक्टर को आने नहीं दिया करते थे, क्योंकि ये सनकी थे। और वैसी कैरेक्टर बिल्डअप और किसी में नहीं देखने को मिली डेवन के अलावा। सिर्फ ड्रैगन्स के अलावा हाउस ऑफ द ड्रैगन में वो दम नहीं है जो गेम ऑफ थ्रोन्स में था, क्योंकि ड्रैगन ही है जो इसमें सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच के रखे पड़े हैं। दूसरा, कैरेक्टर्स की लिखाई और पॉटरिंग जिस हिसाब से हुई है वो दम नहीं है इसमें, इनके कैरेक्टर्स में। दूसरा, रियान कॉन्डल ने बुक के हिसाब से काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 की ही मैया पलोत कर दी है इन्होंने बहुत कुछ चेंज करके। और इस बार सीजन 2 काफ़ी स्टोरी बिल्डअप लेकर भी गया है, जो एक बार के लिए शो को खींचने का काम भी किया, जिससे लोग उतने खुश भी नहीं थे।
तो बावलोग दैट्स ऑल जो मुझे लगा कि हाउस ऑफ द ड्रैगन में ये कमियां रही हैं। अगर इन सारी कमियों पर आगे थर्ड सीजन पर काम चल जाएगा या फिर हो जाएगा तो यस ये भी अपना ओहदा गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह बना सकता है। अगर सीजन 3 में स्टोरी में कुछ नया मिंट दिख गया तो बाबा डेफिनेटली ये शो भी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह आग फाड़ के जाएगा, अगर वही नक्शे कदम को यह अपनाता है जो गेम ऑफ थ्रोन्स ने अपनाया था तब। बाकी तुम खुद बताओ, डेफिनेटली तुम खुद बताओ, डेमन टारगेरियन के अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर जो गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर के से किसी भी कैरेक्टर से मैचअप कर जाए या उसे टक्कर दे जाए? है तो कोई जरूर बता के जाना, क्योंकि मुझे सिर्फ डेमन टारगेरियन में ही वो पोटेंशियल लगता है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के किसी भी कैरेक्टर से मैचअप कर जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन को लेकर और भी क्या ये सुधार कर सकते हैं अपने सीजन 3 पर, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर कि आपके हिसाब से क्या चेंजेस हो सकते हैं। यहां तक पहुंच गया है तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।